हाय फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम टू ओरेंडी केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए दिखाती हूँ, आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया वाला नीर डोसा का रेसिपी। नीर मतलब पानी, ये पानी बहुत डाल के बनाते हैं, इसके लिए इसको नीर डोसा बोलते हैं। और बहुत लोगों ने मुझे बताया था नीर डोसा बनाने के तभी अच्छा से नहीं हो रहे करके, क्योंकि इसमें दो तीन टिप्स है, वो फॉलो करके आप लोग बना दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमारा ये चैनल पहली बार कोई देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक में देख रहे तो हमारा वो पेज लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये कैसे बनाते करके हम देखते हैं, चलो। हाय फ्रेंड्स, हम नीर डोसा बनाती हूँ। नीर डोसा बनाने के लिए मैंने इधर एक कप वाइट राइस लिया है, ये मैंने अच्छे से वॉश करके लेके आती हूँ। ये मैंने कल सुबह नाश्ता के लिए बनाते, इसके लिए आज ओवरनाइट पूरा पानी में भिगा के रखती हूँ। आप लोग दिन में बना रहे तो एटलीस्ट 4 घंटे तक पानी में राइस भिगा के रख दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए हमारा राइस वगैरह अच्छा से सॉफ्ट हो गया। ये मैंने एक मिक्सी का जार में डालती हूँ और एक कप राइस के लिए 1/2 कप ग्रेटेड नारियल मैंने लिया है, ये भी मैंने इसमें डाल के देती हूँ। और मैंने 1 कप पानी भी डाल के देती हूँ, एकदम फाइन पेस्ट में पीस के लेके आती हूँ। देखिए ये मैंने एकदम फाइन पेस्ट में पीस के लेके आए हैं, ये मैंने एक बाउल में डाल के देती हूँ। बैटर बहुत थिक है, इसमें मैं 1 कप पानी डाल के देती हूँ। थोड़ा सा और लूज़ करना पड़ेगा, 1 कप और पानी डाल के देती हूँ। देखिए अभी बैटर का कंसिस्टेंसी बराबर हो गया, नीर डोसे का बैटर इतना लूज होना चाहिए। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छा से मिला के देती हूँ। और नीर डोसा बनाने के लिए एक पैन गैस पर रख के अच्छा से गर्म करती हूँ। एक बात याद रख दीजिए, तवा अच्छा से गर्म होना चाहिए। मैंने इधर फुल फ्लेम पे गैस रखा है, तवा अच्छा से गर्म हो गया। अभी मैं बैटर लेती हूँ। बैटर लेने के लिए मैंने इधर एक मेजरमेंट कप लिया है, ये 125 ml का कप है, मतलब 1/2 मेजरमेंट का कप है। इसमें पूरा मैं बैटर लेती हूँ। तवा पैन फ्लेम से थोड़ा ऊपर पकड़ के इसमें मैं बैटर डालती देती हूँ। पानी की कंसिस्टेंसी बराबर हो गया तो ऐसे होल्स वगैरह अच्छा से आएगा। नीर डोसा पकने के बाद ऐसे साइड से धीरे धीरे से निकल के आएगा। इसी टाइम पे हम हाथ से ऐसे फोल्ड करके स्पैचुला से निकाल दीजिए। देखिए हमारा नीर डोसा रेडी हो गया। ऐसे मैं पूरा नीर डोसा रेडी करती हूँ। एक और जरूर बात है, नीर डोसा बनाने के लिए हम बैटर लेते ना, उसी टाइम पे ऐसा वाला कप से ऐसे अच्छा से मिला के ले लीजिए, नहीं तो बैटर की स्टार्च पूरा बाउल के नीचे जमा हो जाएगा। ये बात याद रख दीजिए, मैंने इधर 1 कप राइस और 1/2 कप कोकोनट के लिए 3 कप पानी डाला है। एक और बात है, आप लोग का राइस का क्वालिटी के अनुसार भी पानी डालने का मेजरमेंट में शायद थोड़ा फर्क हो जाएगा, उसके लिए एक काम कर दीजिए, आप लोग 2.5 कप पानी पहले डाल के एक डोसा बना के देखिए। उसके बाद नीर डोसा का होल वगैरह अच्छा से नहीं आ गया तो और बैटर थिक में है तो 1/2 कप पानी और डाल के देखिए। नीर डोसे के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कोकोनट मिल्क। मैंने कोकोनट मिल्क बना के उसमें थोड़ा चीनी भी डाल के थोड़ा सा गर्म करती हूँ, बहुत टेस्टी है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये नीर डोसा आप लोग भी एक बार घर पर ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।